श्रीनाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का विषय चक्र को जागृत करना। पहले भी इस विषय पर विश्लेषण दे चुका हूँ, उसमें मैंने आप लोगों को चक्र ध्यान के बारे में बताया था कि चक्र को जागृत करने के लिए कैसे ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद जो बीज अक्षर थे, जैसे मूलाधार का लाम था और सहस्र का ओम था, बीच में ओम था, राम था, लाम था, सारे बीज अक्षरों के बारे में आप लोगों को बताया था। आज का वीडियो उससे तनिक हटके है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वो मंत्र दूंगा कि अगर आप ध्यानस्थ हो करके, ध्यानस्थ मतलब पूरा ध्यान के प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए सिर्फ उस चक्र पर ध्यान करके अगर इन मंत्रों का आप जाप करेंगे तो आपका जो चक्र है वो आरोहित हो जाएगा, वो ऊपर आने लगेगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे चक्रों को आरोहित करते हैं, उठाते हैं। सबसे पहले जैसे मूलाधार से शुरू करते हैं और अंत में सहस्रार और अजना चक्र का साथ में जागरण करते हैं। जब भी आप चक्र जागरण करेंगे, देखिए चक्र जागरण करने से क्या होता है, चक्र जागरण से ये होता है कि जो वेदों का सार है ना कि अहम ब्रह्मस्मि, हम जो है वही देवता है, वो अनुभूति आपको होती है और अनंत ज्ञान की प्राप्ति आपको होती है। जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कंफ्यूज किया था, एक आम व्यक्ति के भाषा में अर्जुन को कंफ्यूज किया था। पहले उन्होंने ये बताया कि तुम सबको मार दो, क्योंकि आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना कोई विच्छेद कर सकता है, ना आत्मा मरती है ना जीती है। और फिर उन्होंने बताया कि आप जिस जगह पर खड़े हो, अगर आप युद्ध छोड़कर चले जाओगे तो लोग आप पर थू थू करेंगे। मतलब ये मैं एक आम भाषा में, कलयुग की भाषा में कह रहा हूँ, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य था कि आपको लोग बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखेंगे कि आप कर्तव्य विमूढ़ हो। तो एक जगह तो उन्होंने समझाया कि आत्मा ही सब कुछ है, ठीक है, तो आप किसी को मार नहीं सकते। दूसरी जगह उन्होंने समझाया अगर मारोगे नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, तो जब आत्मा ही सब कुछ है तो माया क्यों है, तो फिर ये आडंबर क्यों है। ये जो एक थिन लाइन है ना, ये आपको तब समझ में आता है जब आप आत्मबोध कर लेते हो, और वो आत्मबोध तब आता है जब आप अपने कॉन्शियसनेस को उठाते हो, और उस कॉन्शियसनेस को आप उठाते हो जब आप चक्रों को जागृत कर लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो नाड़ी शोधन है वो आप करके बैठना। नाड़ी शोधन में हम क्या करते हैं कि 20 बार लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लिया, उसको राइट नॉस्ट्रल से छोड़ा, राइट नॉस्ट्रल से सांस लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ा, ऐसे इसका कई स्टेज होता है, लेकिन मिनिमम इतना आपको करके बैठना चाहिए ताकि आपका जो प्राणवायु है वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है, इससे ज़्यादा जो करना चाहते हैं वो भ्रामरी प्राणायाम कर ले, आँख, नासिका, त्रिनेत्र और कान को बंद करके जिह्वा को अपने नॉस्ट्रल्स में डाल करके उसके बाद ओम का नाद करें। ठीक है, उससे क्या होता है कि मन जो विचलित होता है वो शांत हो जाता है। उसके बाद एक एक करके एक एक चक्र पर ध्यान देंगे और उसके बाद उसके मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मूलाधार से। तो मूलाधार का रंग होता है लाल और मंत्र होता है ओम लम पर तत्वे वाम शाम शाम सम ओम फट। ओम लम पर तत्वे वाम शाम शाम सम ओम फट। मूलाधार जब आप जागृत करेंगे तो आपको अपने से प्रेम ज्यादा होने लगेगा, आपको माया के प्रति जो है एक विचित्र प्रेम जागृत होगा, आपको लगेगा जो है जीवन में माया ही है, और ये बेसिक इंस्टिंक्ट है जिसको लेकर के मनुष्य पैदा होता है। इसके बाद आप आ जाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र पर। स्वाधिष्ठान जो है वो अग्नि के रंग का होता है। ठीक है, उसका मंत्र है ओम वाम वाम स्वाधिष्ठानाम जागृई जागृई वाम वाम ओम फट। ओम वाम वाम स्वाधिष्ठानाम जागृई जागृई वम वम ओम फट। ठीक है,
जब आप इस मंत्र को करोगे तो आप कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से और खुद के बीच में एक चुनाव की स्थिति में रहोगे कि मैं भी कुछ हूँ तो मैं कौन हूँ। इस सोच को विकसित करता है स्वाधिष्ठान चक्र। फिर आते हैं हम मणिपुर चक्र पर जो कि पीले रंग का होता है। पीले रंग पर ध्यान देंगे उसके बाद ओम राम चक्र जागरणय मणिपुराय राम ओम फट। ओम राम चक्र जागरणय मणिपुराय राम ओम फट। राम जो है ये इसका बीज मंत्र है और जो मणिपुर चक्र है उससे ही हम चलते हैं। हमारा जो खुद से संबंध है वो मणिपुर चक्र ही तय करता है। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में फेलियर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, हर बुरे कर्मों का जो है कारण आप ही हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका मणिपुर चक्र जो है वो बुरा हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है। तो मणिपुर चक्र का आप जाप करिएगा तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आपने वो कबीर का गाना सुना होगा, उस जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, तो उसमें राम का मतलब मणिपुर चक्र होता है। फिर अनाहत पे आता है। अनाहत आपको औरों से जोड़ता है, जो अनंत प्रेम इस ब्रह्मांड में है उससे आपको जोड़ता है, जो अंतोदय तक आपको जोड़ने का काम वो अनाहत चक्र का है। तो इसका मंत्र क्या है, अनाहत चक्र का मंत्र है ओम यम अनाहतम जाग्रय जाग्रय स्फोतय ओम शम। ओम यम अनंताम जाग्रय जाग्रय स्फोतय ओम फट। इसके बाद जो चक्र आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि का काम होता है आपकी बातों को आप दुनिया तक बता पाओ। जो कम्युनिकेशन गैप बहुत लोगों के जीवन में, लोग देखते हैं कि बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप है, तो मैंने बहुत लोगों को बोला है कि आप जो है मोल्डा वाइट पहन करके उसमें अष्टमूर्ति की स्थापना करो। मोल्डा वाइट हरे रंग का होता है, ठीक है, तो इससे जो है कम्युनिकेशन जो है वो ठीक होता है, ब्लू से और ज़्यादा कम्युनिकेशन जागता है, ठीक है। तो विशुद्धि का मंत्र है ओम हम विशुद्ध जागरय जागरय तत्व बीजाय ओम फट। ओम हम विशुद्ध जागरय जागरय तत्व बीजाय ओम फट, ठीक है। इसके बाद दो महत्वपूर्ण चक्र आते हैं। पहला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जिसको हम लोग पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसी से बोलते हैं इंट्यूशन जागता है। और अंतिम होता है शास्त्र चक्र, जिससे कि हम देवताओं से संपर्क में आते हैं, अनंत के संपर्क में चलते हैं। इन दोनों चक्रों का एक साथ जो है वो जाप होता है, ठीक है। और गोल्डन येलो कलर को आपको इमेजिन करके इसका इनका जाप करना चाहिए। तो क्या है मंत्र, ओम ह्रीम सहस्त्रानाम जागरय जागरय स्फोतय उद्भेदय एम ओम फट। स्फोतय जो है सौ और फौ का संयुक्त होता है। जब अनाहत का मैंने बोला था उस समय भी स्फोतय सौ फौ का संयुक्त है वो। इसके अलावा जो रंगों को याद रखना है वो बड़ा सिंपल उसका सिद्धांत है कि जो सात रंग होते हैं इंद्रधनुष के, उनको ही उल्टा करके हम जो है जो सात चक्र हैं उनके रंगों को जानते हैं। मतलब विप्योर सबसे ऊपर वायलेट इंडिगो, और अंतिम रंग जो होता है वो रेड होता है जो कि रूप चक्र का रंग है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना का शुरुआती विधान है तंत्र मंत्र यंत्र भैरव जी की पूजा, ये हम आपको सिखाते हैं। जिनको मेरा आर्टिकल पढ़ना है वो www.aghortantrarahasya पर जा सकते हैं। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rutnat@cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आएगा। मेरे व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।